हेलो गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड टेक्निकल। आज इस वीडियो में एक बहुत ही अच्छी अमेजिंग डील के बारे में बताऊंगा जो कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो क्या होता है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट जब सेल लेके आता है तभी जो एमआई भी उसका सेल लेके आता है, जो फ्लैश सेल होता है, 1 रुपीज़ का जो सेल होता है वो लेके आता है। तो इस बार भी लेके आया है। तो अभी आपको यहाँ पर क्या होता है कि 10-15 हज़ार का मोबाइल, 10-12 हज़ार का मोबाइल या एमआई का कुछ भी प्रोडक्ट जो कि होता है आपको 1 रुपीज़ में दिया जाता है। तो 10-12 हज़ार की प्रोडक्ट अगर आपको 1 रुपीज़ में मिला तो आप तो सुनते ही पता चल गया होगा कि ये जो सबको में ही मिलने वाला है, लाखों लोग टूट पड़ेंगे उसमें और हो सकता है आपको मिले या ना मिले। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग सोच रहे हैं कि भाई मिले या ना मिले ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है, मैं भी ये चीज़ मानता हूँ कि मिले या ना मिले ट्राई करने में क्या जाता है, ट्राई बट डोंट क्राई, इस बात को मैं बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ। और जो लोग सोच रहे हैं कि भाई लाखों लोग टूट पड़ेंगे इसमें नहीं होगा और 10-15 हज़ार के प्रोडक्ट भाई 1 रुपीज़ में कैसे देगा, ये जो फेक होता है, इस तरह के जो लोग सोच रहे हैं उसके लिए आज का वीडियो नहीं है। आप लोग स्किप कर सकते हैं वीडियो को। और जो लोग सोच रहे हैं कि भाई ट्राई करने में क्या जाता है तो उन लोगों के लिए वीडियो, तो वीडियो को पूरा वॉच करें, मैं सब कुछ आपको बता दूंगा। तो क्या होता है, एमआई का जब सेल आता है तब फ्लैश सेल होता है। ये बात सच है कि लाखों लोग टूट पड़ेंगे और आप ज़्यादातर लोगों को जो नहीं भी मिलेगा। और यहाँ पर क्वांटिटी जो होता है यहाँ पर 20 या 50 इस तरह की क्वांटिटी होता है। तो भाई इतना कम क्वांटिटी में आपको पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन क्या होता है मिल भी जाता है लोगों को। ठीक है, जो रियलमी का जब सेल आया था तभी जो कुछ लोगों को मिल गया था, और जब एजियो का एक सेल आया था फ्लैश सेल, वहाँ पर भी मिल गया था कुछ लोगों को। इसलिए मैं जो एमआई के सेल के बारे में बता देता हूँ। और यहाँ पर आपको क्या है, मैं कुछ टिप्स दूंगा जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है कि आपको मिल भी जाए। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एमआई का वेबसाइट में ओपन करके रख दिया है, यहाँ पर दिवाली लिखा हुआ है, यहाँ पर ठीक है डेट वगैरह लिखा हुआ है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर नीचे पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1 रेस फ्लैश सेल लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पर जब भी क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी डील्स आपको फ्लैश सेल में जो खुलने वाला है वो सारे डील्स यहाँ पर आपको जो दिखने लग जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में टाइम लिखा कितना है, 17:30 17 और उसके पास 30 लिखा है। इसका मतलब क्या है, 5:30 जब हो जाएगा तभी ये सेल जो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको आज के सेल में क्या मिल रहा है, रेडमी K20 6GB 128GB मिल रहा है 1 रुपीज़ में, जिसका टोटल मतलब रियल प्राइस है 24,000 रुपीज़। तो ये आज के सेल में ओपन हो रहा है। और कितना यूनिट, सिर्फ 20 यूनिट ओपन हो रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितने कम यूनिट आपको मिल रहा है, तो कितना चांस आपका जो है उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो 30 सितंबर को देख लेना है, 30 सितंबर यहाँ पर से एमआई स्मार्ट बैंड ओपन हो रहा है और यहाँ पर 50 यूनिट से इसको जो है सेल किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा एमआई A3 6GB 128GB, ये भी 1 रुपीज़ में आपको मिलेगा 20 यूनिट्स। और यहाँ पर से 2 अक्टूबर यहाँ पर आपको जो मिलेगा एमआई साउंड बार जो कि रियल प्राइस है 5,999, ये भी आपको 50 यूनिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आज का जो सेल है इसके बारे में आपको एक बात बता देता हूँ, ये सेल तो लाखों लोग टूट पड़ेंगे। यहाँ पर कॉमिक सून लिखा हुआ देख सकते हैं, जब भी 5:30 हो जाएगा तो यहाँ पर आपको जो ऐड टू कार्ट का एक जो ऑप्शन चलाएगा उस पर क्लिक करते आपको जो जाना है। तो आप जो 2-3 बार 4 बार क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर से हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट कार्ट पर ऐड हो जाए। और आपको मैं अभी चले ये जो एक तो एकदम नॉर्मल सा तरीका हो गया, अभी चले कुछ टेक्निकल तरीके से बात करते हैं। टेक्निकल तरीका ये है कि आप इस एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर डेस्कटॉप है तो भाई आपको इस पेज का मैं लिंक दे दूंगा, इस एक्सटेंशन को आपको ऐड टू क्रोम पर यहाँ पर क्लिक करके ऐड टू क्रोम पर कर लेना है। तो मैं ये कह दूँ कि ये एक्सटेंशन हो सकता है कि एमआई के सेल में काम ना करे, लेकिन रियलमी के जब सेल आए थे 15-20 रुपीज़ में आपको ईयरफोन साउंड बड दिया जा रहा था तभी जो वो जो काम किया था। तो आप इसके लिए मैं आप इसको जो सजेशन कर रहा हूँ आपको, इसको जो आप एक बार यूज़ करके देख सकते हैं। मोबाइल से आप तो कर ही लेंगे एक हाथ में, और यहाँ पर कंप्यूटर में इसको जो ऑटो बाय करके छोड़ देंगे तो आपको जो यहाँ पर ऑटोमेटिक बाय होने का चांसेस बढ़ जाएगा। ऑटो बाय ये एक्सटेंशन है, जब भी एक्सटेंशन को ऐड कर लेंगे तो ऊपर में आप देखेंगे कि ऊपर में यहाँ पर से एक्सटेंशन का एक लोगो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर आपको जो जस्ट क्लिक करना है। यहाँ पर जब भी क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन आपका जो है ओपन होकर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब भी क्लिक किया तो यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ओपन होकर आ गया है। अभी आपको क्या कहे, यहाँ पर फ्लैश सेल आपको दिखने लग जाएगा, एमआई का जो फ्लैश सेल चल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काउंट डाउन चल रहा है और यहाँ पर डेट वगैरह दिखा रहा है। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर जो सेल में जो ओपन होने वाला है उसका नाम यहाँ पर दिया गया है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली इस वाले जो आज का सेल है यहाँ पर सिंपली जो इसको जो टिक कर देना है। यहाँ पर जब भी टिक कर देंगे तो आपको एकदम लेके चला जाएगा एमआई के पेज में। ठीक है, एकदम एमआई के पेज पे लेके चला जाएगा। ये देखिए आज का सेल है, और साइड पर अगर आप देखेंगे नीचे पे तो यहाँ पर आपको कितने टाइम और है सेल का जो काउंट डाउन स्टार्ट हो गया। जब भी ये खत्म हो जाएगा टाइम, ऑटोमेटिकली यहाँ पर टेक्निकली यहाँ पर से 2-4 बार 10 बार 15 बार 1000 बार यहाँ पर से 1 सेकंड के अंदर यहाँ पर से जो ऑटोमेटिकली टेक्निकली एक कंप्यूटर आपको जो क्लिक कर देगा। आप अगर इंसान हो, आप अगर क्लिक करने जाओगे तो कितना क्लिक करोगे, 1, 2, 50, 20, 1 सेकंड में।
उसके ज्यादा तो नहीं कर पाओगे, लेकिन टेक्निकली तरीके से यहाँ पर से आपको जो है 50-60 बार यहाँ पर से जो क्लिक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आप कुछ भी समझ नहीं पाओगे। तो इसके लिए इस एक्सटेंशन को जो है यूज किया जाता है, लेकिन क्या होता है MI कभी कभी इस एक्सटेंशन को जो है ब्लॉक कर देता है उसका जब फ्लैश सेल होता है। तो आपके मोबाइल पर भी ट्राई करते रहिएगा और कंप्यूटर को इस तरीके से अच्छे से एक नेट कनेक्शन देके छोड़ दीजिएगा, कंप्यूटर अपना काम खुद कर लेगा और आप आपका काम मोबाइल में करेंगे, ठीक है। दोनों जगह से आपको ट्राई करना है। अभी आपको क्या है, आपका अगर सही से वेबसाइट चल जाता है, जो बहुत ज्यादा यूजर हो जाते हैं वेबसाइट भी थोड़ा जो है स्लो हो जाता है, सही से अगर वेबसाइट चल जाता है और सही से आपका एक भी क्लिक अगर बैठ जाता है यहाँ पर, तो मान लीजिए एकदम फ्री में आपको K26 6GB 128GB आपको जो मिलने वाला है, तो भाई ये सोच के मत करिए कि आपको मिलने ही वाला है, ये सोच के करिए मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो और भी अच्छा है, ये सोच के करिए। यहाँ पर हो सकता है कि आपका हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर से ओनली जो 20 यूनिट्स आपको जो मिलेगा सेल किया जाएगा, तो अभी जो हो सकता है कि आपके नसीब पे वो डिपेंड करेगा, हो सकता है आपको मिले या ना मिले। तो इसको इस तरीके से आपको यूज करना है। उसके बाद आपको कुछ जो और भी कुछ ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, फास्टली आपको MI के जो MI.com वेबसाइट पे चले जाना है, वहाँ पर लॉग इन साइन अप जो भी चाहे कर सकते हैं कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक पेमेंट मेथड ऐड करके रखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है 1 rupees आपको जो पे करना पड़ेगा। आप अगर किसी भी तरीके से प्रोडक्ट को अगर कार्ट पे ऐड कर लेते हैं तो आपको वहाँ पर से 20 rupees टाइम दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो पेमेंट तो तब आप कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि तभी जो कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो, तो इसके लिए पहले से एक जो कार्ड वगैरह या वॉलेट वगैरह कुछ ऐड करके रख दीजिएगा, आपके एड्रेस वगैरह जो भी चाहिए वहाँ पर से फिल करके रख दीजिए।